शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप सब में कितनी जान है। शुरुआत टायर फ्लिपिंग से। टायर को अपने शोल्डर से बांधकर उसे पॉइंट ए से लेकर अंतिम पॉइंट बी तक लेकर जाना है। विशल के बाद अगर कोई रुका तो शुरुआत से शुरू करना होगा। हिम्मत की है जमीन। Come on, Cadet Kirti. Come on. Rukna nahi hai. Aage badho. Come on, come on. You can do it. Yes, yes. Come on. Yes, yes, come on, come on. Come on, do it. Come on, come on. Yes, yes, very nice. Come on. Very nice. Come on, come on. Yes, yes. तुम क्या करने आई थी यहाँ? हाँ? आराम करने? कागज पर सवालों का जवाब देकर कोई ऑफिसर नहीं बनता। ऑफिसर बनने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है और उसके लिए चाहिए होता है दम। है तुम में? तुम ऑफिसर बनना चाहती हो या नहीं? या कोई अपना शौक पूरा करने आई हो यहाँ पे? तुम्हारी वजह से एक अच्छे और काबिल ऑफिसर की सीट चली गई है। मेरी एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हें अभी यहाँ रहना है तो अपने दिमाग को मजबूत करो। शरीर साथ नहीं छोड़ रहा है तुम्हारा, दिमाग से हार रही हो। मैं सिर्फ बहादुर अफसर तैयार करता हूँ, इसलिए दिमाग को मजबूत बनाओ ताकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा सको। क्लास डिसमिस। कैडेट कीर्ति 100 पुशअप फास्ट। कम ऑन फास्ट। दिमाग तेज करो, दिमाग तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन दीदू के भरोसे पे भरोसा किया था हमने। अब उसी की सजा भुगत रहे, पता नहीं कौन सा दुश्मनी निकाल रहे हैं सब हमारे साथ। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। अबे क्या है ये? दिख नहीं रहा? चेहरे की मसाज कर रहा हूँ। कितनी बार मैंने आपको कहा है शेविंग करने की जगह बाथरूम में है, यहाँ बाहर कमरे में नहीं। चलिए। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। मेरा घर, मेरा कमरा और बीवी। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। सिर्फ मेरी, उसने मेरी मदद। सिर्फ आपकी अब है। अच्छा है श्रद्धा, कर दो तैयार अभय को इसकी मौत के लिए, क्योंकि बचेगा नहीं वो आज। कीर्ति,
आज सचमुच तुम्हारी बहुत याद आ रही। श्रद्धा तुम? श्रद्धा मुझे भी कीर्ति की बहुत याद आ रही है। हाँ वो क्या है ना कि उसके बारे में सोच सोच के थोड़ी घबराहट भी हो रही। तुम तो जानती हो ना उसकी आदतों, वो बाकी लोगों से कितनी अलग है। वहां सबके साथ ट्रेनिंग में उससे बहुत मुश्किल हो रही होगी, है ना? पर वरुण जी, आप ये भी तो जानते हैं ना कि हमारी कीर्ति हार मानने वालों में से नहीं है। जब वो कुछ करने का ठान लेती है ना तो उसे करके ही रहती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी कीर्ति हम सबका सर ऊंचा करेगी। बिल्कुल। अच्छा तुम्हें अब कुछ काम था क्या? हाँ वरुण जी, वो मैं अभय के रिपोर्ट्स का पूछने आई थी, आप उन्हें ले आए क्या? अरे हाँ वो तो मैं ले आया था पर तुम्हें देना ही भूल गया। एक सेकेंड। चलो सर। श्रद्धा बिल्कुल भी मायूस मत होना, देखना अबे बहुत ही जल्दी हम सबके साथ होगा, बिल्कुल पहले जैसे। पहले जैसे हो जाइए ना अभय भैया, आपको ऐसे बेजान पड़ा देख मेरा तो दिलो जान गिरता पड़ता रहता है। कितनी सुंदर सुशील बीवी, प्यारे परिवार के लिए तो आप टूट जाइए अभय भैया। आपको ऐसे पड़ा देख नहीं देखा जाता। देखती तुम मेरे अभय को अब हाथ भी कैसे लगाते हो कुणाल, इस सीसीटीवी के रहते मेरी नजर तुमसे कभी नहीं हटेगी। सीसीटीवी लगवा के तीसरी आंख तो बना दी तुमने अपनी, लेकिन तुम्हारे पति की आंखें अब हमेशा के लिए बंद तो मैं करके रखूंगा। देखता हूं अपने पति को कब तक बचा पाती। पकड़ के रखना, हमारे घर में घुसेगा, तुझे तो मैं बताता हूं। तेरे तो बात करने का हाव भाव ही बिल्कुल बदल गया है। फोन पे मुझे लगा था, लेकिन सामने से तो तू सचमुच
हम भी तो बदल गए हैं दीदू, पर एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली है, आपके घर वापस लौटने की खुशी में घर में जश्न। और ये देखिए, कुछ लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं। और लोग आ गए, आइए आइए। कीर्ति जी, आज आपने इस घर का ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का सर ऊंचा कर दिया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू आंटी। कीर्ति, 2 साल में हमें भूल तो नहीं गई ना, अब तो हमारी सुरक्षा और छोटे मोटे काम सब तुम्ही को करना है। बिल्कुल। अरे अरे बहन जी, अभी तो आम पके नहीं और आप है कि आम का अचार डालने लगी। अरे अभी थोड़ा नाच गाना करने दीजिए, हमारी अफसर रानी काम करती रहेगी बाद में। हाँ हाँ चल। We'll be together till the end of time. I promise I will never let you go. Now that I know you love me. चलूं मैं तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उस रास्ते को छोड़ दूं, हर ख्वाब मेरा उम्मीद मेरी मैं तुझसे जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंसके तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। You and I will be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me. जुड़ गई तुझसे ये मेरी जिंदगी, मैंने तो पाई तुझ में मेरी हर खुशी, कह गई मुझसे खुद ये बातें तेरी, अक्सर ख्यालों में हूँ तेरे मैं कहीं, देखूं मैं तुझे लम्हा लम्हा हर पल अपने सीने में रखूं, हर सुबह तुझसे मिलने की चाहत में मैं जगूं, एक तू ही तो है होठों की हंसी चेहरे का नूर तू, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। बस गई मुझ में अब है ये बस गई, सांसों से आए हर दम खुशबू जो तेरी, छा गई मुझ पर ये जो है छा गई, बदली है शायद ये तो तेरे इश्क की, यही है मेरे दिल की हसरत पहरों तुझसे बातें मैं करूं, हो सारी बातें तुझ पे खत्म मर तुझसे हो शुरू, फिर वक्त भी ये रुक जाए वहीं हो जब भी साथ तू, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। Together till the end of time. I promise I won't ever let you go. Now that I know you love me. बेचारी श्रद्धा, अब इसे दूसरी शादी वैसे कर लेनी चाहिए। दीदू, आपने हमारे बारे में तो सोच लिया, हमारी जिंदगी को रास्ता दे दिया, पर आप अपने बारे में कब सोचेंगे? 2 साल बीत गए हैं दीदू, और अभी भी अब है बस एक जिंदा लाश।
कीर्ति तुम मेरी नजर से नहीं देखती ना, शायद इसीलिए। अब है आज भी मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे, मेरे साथ है। यादों में मुझसे बातें करते हैं और उन्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। कीर्ति मेरी हिम्मत से ही मेरी उम्मीद बनी हुई है। अगर मेरी ये हिम्मत टूट गई ना तो मैं टूट जाऊंगी। वैसे तो मेरे बारे में छोड़, देख रही है ना आज ये सारी तैयारी तेरे लिए की गई है। ये शाम तेरे नाम की है। कीर्ति बेटा यहाँ आइए तो। हाँ माँ। कीर्ति बेटा आप इनसे नहीं मिली है ना, ये मोहल्ले में नहीं आई, सोनी जी और उनकी फैमिली। नमस्ते। और ये है हमारी बहू आईपीएस कीर्ति त्रिपाठी, 2 साल की कड़ी मेहनत करके आई है ये। सफलता बहू की और फल सास को मिल रहा है। अब ये दोनों सास बहू मिलकर ना हम सबका मुंह बंद करेंगे इस वर्दी की वजह से। अब कोई पूछेगा ही नहीं कानपुर में। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं आईपीएस ऑफिसर कीर्ति त्रिपाठी का पति हूँ। नमस्ते। तुम्हारी जिंदगी में मिर्ची का तड़का ऐसा लगाएंगे तुमको जेल बेच के। वरना जेल में ना नमक भी कम होता है खाने में, उसे तीखा वीखा अच्छे से डालो। हाँ अरे भाई साहब इनको जो चाहिए वो दे दीजिए, वरना आज ना आपकी दुकान बंद ही समझिए। आप लोग कहे तो तीखा ही तीखा बनाते हैं, सॉल्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा दे, पैसे भी नहीं लेंगे। मैडम जी आपके लिए स्पेशल बना दूं? फिलहाल आप इन सबको अच्छे से खिलाइए। अब माँ आज से ना हमें ड्यूटी ज्वाइन करनी है, हम शाम को मिलेंगे। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ऑल द बेस्ट। अरे भैया आप खड़े क्या है, एक मीठी पूरी बनाइए। बेटा दही शक्कर ना सही, ये मीठा बताशा ही खा लो। तुम्हारा दिन शुभ रहे। अच्छा से खिलाना भैया। चल। अरे अरे आप खड़े क्या है, बनाइए। और मिस्टर नाथ, बहुत टाइम से हमें शातिर अपराधी की तलाश थी और आज जाके इसका सुराग हाथ लगाया हमें। मेक श्योर कि वो आज हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए। ऐसे खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए अफसर भी कड़क चाहिए। कौन लीड करेगा? हम करेंगे। जैन सर, एएसपी कीर्ति त्रिपाठी रिपोर्टिंग। कीर्ति त्रिपाठी, ट्रेनिंग के टाइम से ही काफी तारीफ सुनी है मैंने आपकी। मैडम चौकस। आप आज से ही ज्वाइन कर रहे हो और आज ही इतना बड़ा ऑपरेशन लीड करना चाहती हो? यस सर, एक मौका देके देखे। ठीक है मिस्टर नाथ, आप इन्हें ऑपरेशन से जुड़ी सारी डिटेल्स हैंडओवर कर दीजिए। ठीक है, ये आपको पूरी मदद करेंगे इस ऑपरेशन में। मगर ध्यान रहे, ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, ये बहुत शातिर अपराधी है जिसने हमारे एक पुलिस ऑफिसर को भी घायल किया है और इतने सालों से हमारे डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंकता रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सो मेक श्योर बी अलर्ट। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। हम अपने बेटे को इस हालत में और नहीं देख सकते। माता रानी, इसके रिपोर्ट में कुछ सुधार आ जाए बस।
तनुजा जी चिंता मत करिए, सुधार तो है इसकी हालत। देखिए ना, अब तो उंगलियों में हरकत भी आ गई है। हाँ मम्मी जी, अब है कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हम सबकी इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। हाँ चाची, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप देखना अबे बहुत ही जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम सबके साथ पहले जैसे। श्रद्धा, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ, चले। इंतजार की घड़ी तो आज मेरी खत्म होने वाली है और साले साहब आज अस्पताल नहीं नरक यात्रा पर जाएंगे। बाय बाय अभय त्रिपाठी, हमेशा के लिए। श्रद्धा कहाँ है? दीदू हॉस्पिटल से आके सीधे कमरे में चली गई, अभी तक बाहर नहीं आई। तब से ना उसकी आवाज निकली है, आंसू टपका है। हमारी श्रद्धा पूरी तरह टूट चुकी है। 2 साल इतने तप किए श्रद्धा ने अभय के लिए, लेकिन माता रानी ने उनकी एक प्रार्थना नहीं सुनी। क्या श्रद्धा खुद को नहीं संभाल पा रही, तो बच्चों को कैसे संभालती? ये तो अच्छा हुआ कि हमने पहले ही 3 बच्चियों का दाखिला हॉस्टल में करवा दिया था। श्रद्धा बहुत सदमे में, ऐसे वक्त में हम सबको साथ में रहना चाहिए, हम उसे टूटने नहीं दे सकते। पता नहीं हमारी बच्ची के साथ ये सब क्यों हो रहा है। इतने सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही है अभय की लंबी उम्र के लिए, और आज ही के दिन करवा चौथ से 1 दिन पहले ये सब। हमें समझ नहीं आ रहा कि कब तक दीदू के कल पे हम तरस खाते रहेंगे। कभी तो उन्हें, हम सबको उनके आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना होगा ना। कीर्ति, ये भी कोई वक्त है ये सब बातें करने का? पापा पिछले 2 साल से हम ये बात बोल रहे हैं। माँ आपने देखा है ना दीदू को कितने तप करते हुए, पर कुछ हुआ? अब ये ठीक हुआ? भगवान ने सुनी उनकी? नहीं ना। और अब जब डॉक्टर ने कह दिया है, क्या सुनेंगे भगवान? कीर्ति, जबान संभाल के बना। चाची अभय के लिए हम सब भी उतने ही दुखी हैं जितनी आप, लेकिन कीर्ति यहाँ पर अभय के साथ साथ श्रद्धा के बारे में भी सोच रही है। आज हम सब एक साथ, लेकिन श्रद्धा के आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उसका क्या? हम जो बोल रहे हैं वो हमें सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है चाची जी, पर सच तो ये है कि अब अभय की जीने की उम्मीद खत्म सी हो गई, तो कम से कम दीदू को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा तो देनी चाहिए। इन मशीनों की दी हुई झूठी उम्मीद को पकड़ के कब तक हम अभय को जिंदा मानेंगे? कब तक इस इंतजार में रहेंगे कि वो उठ जाए? दीदू हम जानते हैं कि अभी आप उस स्थिति में नहीं है कि आप ये सब सुन सके, पर जवाब तो आपसे ही चाहिए ना दीदू। कब तक अभय को इन मशीनों के सहारे रखेंगे कि वो बस सांस लेता रहे? कुछ दिन, कुछ हफ्ते, महीने, साल, कब तक? दीदू आपने सिया और सानवी को कियारा के साथ हॉस्टल तो भेज दिया, पर उनके सवालों के जवाब कैसे देंगी आप कि हमारे पापा हमें ले जाने कब आएंगे? कीर्ति
ना कुछ साल, ना कुछ महीने, ना कुछ हफ्ते, सिर्फ कल का दिन। कल करवा चौथ है ना। तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि माता रानी को मेरी बात सुननी ही होगी। नहीं कीर्ति, नहीं, ये मेरी खुद की लड़ाई है और इस बार अभय के लिए मेरी ये लड़ाई माता रानी से है। अब या तो कल अभय खुद उठकर मुझे पानी पिलाए और मेरा करवा चौथ का व्रत तोड़े, या फिर ये व्रत कभी नहीं टूटेगा। इस तरह तैश में होश नहीं खोते, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हुआ जी, सावित्री भी तो सत्यवान को मृत्यु के मुंह से वापस लेकर आई थी, वो यमराज तक से लड़ गई थी, तब तक जब तक यमराज ने सत्यवान के प्राण उन्हें वापस नहीं कर दिए थे, तो मैं भी ये प्राण लेती हूँ। जब तक अभय होश में नहीं आ जाते हैं, मैं अन्य जल सब त्याग दूंगी। एक बार हमारी बात तो सुन लो, हमें प्लीज, आप अभी घर जाइए, कल आपका भी तो करवा चौथ का व्रत है ना, आपको भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो आप घर जाइए और पूजा की तैयारियां कीजिए। मम्मी प्लीज। वाह अभय, इन कपड़ों में तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे देख के बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो लगूंगी ना अभय, आपके पसंद की साड़ी जो पहनी है। अच्छा, मैं भी चलती हूँ, पूजा के लिए जा रही हूँ, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जिद नहीं जानते हैं अभय, जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे मैं ना अन्न का एक दाना खाऊंगी और ना पानी की एक बूंद पीऊंगी।
आपको होश में आना ही होगा अब है मेरे लिए। मुझे पता था अब है आप जरूर आएंगे। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसे हुआ तू उठ के अपनी माँ के पास आ गया ना, हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हम कितना तरस गए थे। मेरा बेटा हर मुश्किल से लड़कर लौटा है मेरे पास। यार ये हो क्या गया सबको? पगला उगला गए हैं क्या सारे घर वाले? नालायक निकम्मे अभी पे अचानक इतना प्यार काहे बरसा रहे हैं? और इतना लाड भी पहले कभी नहीं किया। दीदू, हमारी कही हर बात को आज आपने हरा दिया। आपके तप ने, आपके विश्वास ने चमत्कार कर दिया। ये देखिए ना, अभी ठीक हो गया। क्या भाई, अपने इस भाई से गले नहीं मिलेगा? भाई ये अबे मैं तुझे बता नहीं सकता है कितना तरसा हूं मैं तुझे इसे अपने सामने खड़ा देखने के लिए। मेरा मन कर रहा है यार मैं बैंड बजवा दूं, बैंड बजवा दूंगा। भाई इन सबका दिमाग तो खिसक गया है, अब तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतना रो रहा है? अबे पागल, तो बस रो रहा हूं। श्रद्धा तो पल पल टूटी तुझे ऐसे अपने सामने खड़ा देखने के लिए। माता रानी, आज आपके ऊपर मेरा ये विश्वास और मजबूत हो गया है। सिर्फ एक पत्नी का ही नहीं, एक माँ, एक पिता, एक बहन, एक भाई, पूरे परिवार का रिश्ता और अटूट हो गया है। आपने अभय को ये जो जीवन दान दिया है ना माता रानी, उसके लिए ये श्रद्धा अभय त्रिपाठी जीवन भर आपके कर्जदार रहेगी। श्रद्धा कौन है? इन्हें कहीं देखा है मैंने? क्या क्या कहा तुम?
मजाक करने की आदत गई नहीं है। तुम मजाक कर रहे हो ना अभय? इतने साल एक ही छत के नीचे रहने के बाद तुम ये कह रहे हो कि कहाँ देखा है इन्हें? अभय, अपनी पत्नी को ना पहचान करना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। बहुत भारी पड़ सकता है तुम्हें। क्या कहा आपने बुआ जी? मेरी पत्नी? अभय, बंद कीजिए अपना ये मजाक और आइए मेरा व्रत खुलवाइए। आइए। अरे तुम ऐसे ऐसे घूर कह रहे हो? ना कुछ खाई है ना एक बूंद पानी का पिया है इसने। चलो जल्दी से इसका व्रत खुलवाओ तुम। हाँ चलो। अरे आपका बेटा बड़ा हो गया है, आप ऐसे इस पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। और वैसे भी कितनी कोशिश कर रहा है ये। अरे आज वो इंटरव्यू के लिए भी गया था है ना बेटा? गए थे ना तो? हाँ गया था ना इंटरव्यू देने। अब इंटरव्यू वाले का मूड नहीं था मेरे को जॉब देने का, तो मेरी गलती है इसमें भी। अगर एक और झूठ बोला ना तो देंगे एक और। आपका लाडला इंटरव्यू तक पहुंचे ही नहीं, इनको नौकरी करने का मूड नहीं था। आपके लाड प्यार ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। अगर इसने जिम्मेदारी नहीं उठाई ना तो एक दिन सड़क पर मिलोगे तुम, समझे? अच्छा तो नालायक अभी को सुधारने का ये तरीका निकाला आप सबने। मानना पड़ेगा नाटक मस्त था। अच्छा ठीक है पापा, कल के कल ही नौकरी पक्की करवा कर ही मानूंगा मैं। बस अभी ये नाटक बंद करो, मुझे डर लग रहा है। इसे तो अच्छा आप मेरे को दो तीन थप्पड़ मार लो। पर पत्नी, शादी? नहीं नहीं। और भाई तू भी पापा का साथ देने लग गया। पर मम्मी आपने कब से पार्टी बदल ली? बेटा तुम क्या कह रहे हो? अरे ये 10 साल पुरानी बात काहे बोल रहे हो तुम? अरे अभय, हम ये सब बातें बाद में कर सकते हैं, पहले आप श्रद्धा का व्रत खुलवाइए। भैया आपको नहीं पता पर श्रद्धा भाभी ने प्रण लिया था, जब तक आपको होश नहीं आ जाता वो ना कुछ खाएंगी ना पिएंगी, जब तक आप अपने हाथों से उन्हें कुछ खिला पिला नहीं देते। आरती तू भी शामिल होगी इन सब में भाभी? अरे तुम्हारी पत्नी को ये भाभी ही बोलेगी ना। चलो पहले से कुछ खिलाओ। चलो। अरे यार बंद करो ना ये नाटक। लो खिला दिया। अरे अब तो बेचारी को अपने घर जाने दो, इतनी रात हो गई है। अबे यही श्रद्धा का घर है। तू क्या बकवास किया जा रहा है, पागल हो गया क्या? बकवास मैं कर रहा हूँ? अरे यार तुम लोग जबरदस्ती इस लड़की को मेरे साथ बांध रहे हो, पर बकवास मैं कर रहा हूँ? हद है यार। ये क्या मजाक है अबे? तुम्हें पता है दीदू तुम्हें होश में लाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितने तप किए, सालों से इंतजार कर रही है और तुम उन्हें परेशान कर रहे हो ये बोल के कि वो तुम्हारी बीवी नहीं है। अब आप कौन है? अबे अपनी भाभी से ऐसे बात करेगा तू? क्या हो गया तुझे भाई? तूने शादी कब की? मैं कुछ दिन पहले तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे ना, आकर शादी कर लीजिए। कमाल करते हो आप सब लोग यार, मुझे सुधारने के लिए किराए पे भाभी उठा के ले आए हो, हद है यार। अभय मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। 2 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपके सर पे गहरी चोट लगी थी, उस राज और रागिनी की वजह से। अब कहानी में दो नए किरदार आ गए। क्या कहा तुमने? राज और रागिनी? ये कहानी जिसने भी लिखी है ना बहुत लंबी लिखी है, पर अभी मेरा मूड नहीं है सुनने का। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।